بسم الله الرحمن الرحيم शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की बातें सुन रहा था कि वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। जो लोग अपनी औरतों से जहार करते हैं, उनकी औरतें उनकी माएँ नहीं हैं। माएँ तो सिर्फ वो औरतें हैं जिन्होंने पैदा किया है, और ये लोग यकीनन बहुत बुरी और झूठी बात कहते हैं, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों से जहार करें और फिर अपनी बात से पलटना चाहें, इन्हें चाहिए कि औरत को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करें, कि ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए नसीहत है और खुदा तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। फिर किसी शख्स के लिए गुलाम मुमकिन ना हो तो आपस में एक दूसरे को मस करने से पहले 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे। फिर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इसलिए कि तुम खुदा और रसूल पर सही ईमान रखो, और ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद हैं और काफिरों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग खुदा और रसूल से दुश्मनी करते हैं वो वैसे ही जलील होंगे जैसे इनसे पहले वाले जलील हुए हैं, और हमने खुली हुई निशानियां नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए रुस्वाकुन अजाब है। जिस दिन खुदा सबको जिंदा करेगा और इन्हें इनके आमाल से बाखबर करेगा जिसे उसने महफूज कर रखा है, और इन लोगों ने खुद भुला दिया है, और अल्लाह हर शय की निगरानी करने वाला है। क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह जमीन और आसमान की हर शय से बाखबर है? कहीं भी 3 आदमियों के दरमियान राज की बात नहीं होती है मगर ये कि वो इनका चौथा होता है, और 5 की राजदारी होती है तो वो इनका छठा होता है, और कमोबेश भी कोई राजदारी होती है तो वो इनके साथ जरूर रहता है चाहे वो कहीं भी रहे। इसके बाद रोज कयामत इन्हें बाखबर करेगा कि इन्होंने क्या किया है, कि बेशक वो हर शय का जानने वाला है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें रास की बातों से मना किया गया लेकिन वो फिर भी ऐसी बातें करते हैं, और गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी के साथ रास की बातें करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो इस तरह मुखातिब करते हैं जिस तरह खुदा ने इन्हें नहीं सिखाया है, और अपने दिल ही दिल में कहते हैं कि हम गलती पर हैं तो खुदा हमारी बातों पर अजाब क्यों नहीं नाजिल करता, हालांकि इनके लिए जहन्नुम ही काफी है जिसमें इन्हें जलना है और वो बदतरीन अंजाम है। ईमान वालों, जब भी रास की बातें करो तो खबरदार गुनाह और तादबी और रसूल की नाफरमानी के साथ ना करना, बल्कि नेकी और तकवा के साथ बातें करना और अल्लाह से डरते रहना कि बिल आखिर उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये राजदारी शैतान की तरफ से साहिबान ईमान को दुख पहुंचाने के लिए होती है, हालांकि वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक खुदा इजाजत ना दे दे, और साहिबान ईमान का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। ईमान वालों, जब तुमसे मजलिस में वुसअत पैदा करने के लिए कहा जाए तो दूसरों को जगह दे दो ताकि खुदा तुम्हें जन्नत में वुसअत दे सके, और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाओ, कि खुदा साहिबान ईमान और जिनको इल्म दिया गया है इनके दराजात को बुलंद करना चाहता है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। ईमान वालों, जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रास की बात करो तो पहले सफ़का निकाल दो कि यही तुम्हारे हक में बेहतरी और पाकीज़गी की बात है, फिर अगर सफ़का मुमकिन ना हो तो खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या तुम इस बात से डर गए हो कि अपनी राजदाराना बातों से पहले खैरात निकाल दो? अब जबकि तुमने ऐसा नहीं किया है और खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है तो अब नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और रसूल की अताअत करो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा है जिन्होंने उस कौम से दोस्ती कर ली है जिस पर खुदा ने अजाब नाजिल किया है? ये ना तुम में से है ना उनमें से, और ये झूठी कस्में खाते हैं और खुद भी अपने झूठ से बाखबर है। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है कि ये बहुत बुरे आमाल कर रहे थे।
انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور رائے خدا میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن خدا ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ اس سے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسی تم سے کھاتے ہیں, اور ان کا خیال ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بات ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہے, اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارہ میں رہنے والا ہے. بے شک جو لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں ان کا شمار ذلیل ترین لوگوں میں ہے. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں. بے شک اللہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ہیں, چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں. اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے تائید کی ہے, اور وہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں, اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا گروہ ہی نجات پانے والا ہے. صدق اللہ العلی